हे दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों को फिर से और एक न्यू वीडियो पर। और आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मेरे पास एक डिजिटेक का DTR590VD प्रो प्रोफेशनल ट्राइपॉड, जिसे मैंने अमेजोन से खरीदा है। और यहाँ पर इसी बहुत बड़ा सा बक्सा को दिखाने का एक ही मकसद है भाई, ट्राइपॉड ही इतना सा लेकिन बक्सा मेरे को तो इतना सा, मतलब देख के बहुत चौंक गया। मतलब जब आया घर पे मैंने देखा कि इतना, मतलब एक LCD TV जैसा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि बक्सा को आप लोगों को एक बार दिखाया जाए। दोस्तों और एक बात, अगर आप किसी भी कैमरा को खरीदना चाहते हैं तो आप आसपास का कोई स्टोर पे जाकर खरीदें, ऑनलाइन से कैमरा को मत खरीदें, क्योंकि कैमरा का लेंस कांच का होता है बेसिकली। आप लोगों को पता है कि मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इसको ऑर्डर किया ऑनलाइन से। क्यों अब सवाल आता है, मैं तो हमेशा बताता हूँ, अब ऑफलाइन से खरीदे मैंने क्यों ऐसा किया, ऑनलाइन से ट्राइपॉड कैमरा वगैरह क्यों परचेज किया। देखिए एक ही रीज़न था, मैंने जब ऑनलाइन पे देखा तो ऑफलाइन और ऑनलाइन पे सिर्फ 30-40 रुपये का डिफरेंस था, और लॉकडाउन चला है, इसी अंदर जितना सारा शॉप वगैरह सब कुछ बंद है। और मैंने शॉप, मतलब जो स्टोरेज का मालिक है, उनको फ़ोन किया तो बता प्राइस बता, और मैंने देखा अमेजोन पर कम दम में मिल रहा है, तो सोचा अमेजोन से ही ले लेते हैं। लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इसी बॉक्स को जल्दी से ओपन करेंगे और देखेंगे हमारा जो प्रोफेशनल ट्राइपॉड है डिजिटेक का VTR590VD प्रो, वो कैसा है दिखने में, सब कुछ इसी वीडियो में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखते रहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिजिटेक का, जो मैंने बताया था, प्रोफेशनल DTR590VD प्रो ट्राइपॉड। यहां पर कुछ सम स्पेसिफिकेशन दिया गया। और एक बात मैंने आपको मेंशन करके बताया था कि ऑनलाइन से खरीदना एक, मतलब गलती हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारा क्रैक आ चुका है और इधर भी बहुत सारा क्रैक आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका कुछ डिटेल्स में फर्स्ट बॉक्स की बात कर लेते हैं। डिजिटेक का ब्रांडिंग आप देख सकते हैं ट्राइपॉड, और साथ साथ यहाँ पर कुछ नहीं दिया है और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन बताया गया शॉर्टकट में। अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दिया है मैक्सिमम लोड आप 3 kg तक ले सकते, उसके बाद मैक्सिमम हाइट 1800 mm, मतलब 5.90 feet, मेरे से भी बहुत लंबा। उसके बाद फोल्डेड होकर कितना होगा, 730 mm होने वाला है। उसके बाद लेंथ, मतलब चौड़ा कितना है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में बताया। उसके बाद इसी ट्राइपॉड का कितना वेट है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन करेगा। उसके बाद कितना सेक्शन है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन करके बताया, मतलब बेसिकली और कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया। और इधर कुछ पिक्चर वगैरह दिया गया और एड्रेस वगैरह है कुछ, तो छोड़िए सब बातें। तो अब जल्दी से हम इसी बॉक्स को ओपन करते हैं। तो मेरा बॉक्स को जैसे हम ओपन करेंगे, एक बैग देखने को मिलेगा, और बैग आप देख सकते हैं एक प्लास्टिक के अंदर दिया हुआ है, जो बहुत ही कूल और अमेजिंग लग रहा है देखने में। तो चलिए प्लास्टिक को फर्स्ट, बहुत सेफ्टी के साथ दिया है। पहले वाला जो ट्राइपॉड से शूट कर रहा हूँ, मतलब जिस पर मेरा कैमरा सेट है, वो वाला ट्राइपॉड और भी, मतलब अच्छे से पैकिंग करके, इस तरह कोई डिब्बा नहीं दिया गया। तो जल्दी से इसको हम हटाते फर्स्ट। तो यहाँ पर एक बैग है जिस पर आपको चेन अटैच मिलेगा, अटैच करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर इसको कैरी भी कर सकते, वो जो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते, कैरी कर सकते, जो बेसिकली एक अच्छा बात है, हर एक ट्राइपॉड के साथ दिया जाता है। उसके बाद अगर हम इसको ओपन करें तो क्या है देखने का, ओ इसके अंदर भी एक प्लास्टिक से मुड़कर हमारा ट्राइपॉड दिया, एक ब्लैक कलर की है बेसिकली। तो इसे हम अगर जैसे बाहर निकालें, और एक बात, बैग के अंदर आपको कुछ मिलेगा, अगर इसे खाएंगे आपका तबीयत खराब हो सकता है, छोटी सी बात है। तो ये पर साइड में छोड़ देते बैग को। उसके बाद अगर हम ट्राइपॉड को ओपन करें तो हमारा ट्राइपॉड यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कूल लुक के साथ दिया गया है। उफ बेसिकली ओ क्या लग रहा है ट्राइपॉड यार, मतलब पैसा जितना है उतना अच्छा चीज़ आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टैंड को सेट कर लिया, और सेट करने के बाद अगर इसका फर्स्ट हम क्वालिटी का बात करें तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत मोटा सा यहाँ पर स्टैंड की स्टेप्स दिया गया है, और साथ साथ यहाँ पर आपको मेटल बॉडी देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक है, बट प्लास्टिक भी बहुत हार्ड प्लास्टिक से बना है, जिससे आप अपना कैमरा यहाँ पर आप बहुत इजीली डालकर कोई भी वीडियो वगैरह को शूट कर सकते हैं। और इसका अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक स्लाइडर लॉक दिया गया है, जिससे आप इसको लॉक कर सकते हैं आपका ट्राइपॉड को, मतलब ट्राइपॉड कहीं से हिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ दिया है जिससे आप एक्स्ट्रा वेट, मतलब वजन भी यहाँ पर ला सकते हैं, जिससे आपका ट्राइपॉड कहीं ना हिले। तो बेसिकली इसका क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत हार्ड है, और मुझे लगता नहीं बहुत जल्दी ख़राब होने वाला है, क्योंकि मैं जिससे शूट करूँ अभी तक बहुत ही सिंपल सा ट्राइपॉड है, सिम्पेक्स का 1200 ट्राइपॉड, जो बेसिकली एक DSLR कैमरा के कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको मंगवाया। और मैंने देखा कि इसका सच में क्वालिटी बहुत अच्छा है, इस पर टेस्ट भी किया, बहुत ही अच्छा लगा। एक एक करके सारे टेस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों नेक्स्ट इसका अगर हाइट का अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि हाइट
5 फुट 9 फीट की तरफ है और मेरा हाइट आप देख सकते हैं, मेरा नाक को छू जाता है, मेरा हाइट करीब 5 फुट 6 फीट है। तो अगर इसका बात करो तो मतलब इतना शॉर्ट क्यों है, हाइट ऐसे नहीं मापा जाता, इससे आप और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इसको आपको घुमाना है, घुमाने के साथ साथ आपका ट्राइपॉड और भी ज़्यादा लंबा होने लग जाएगा। तो दोस्तों इधर टोटल इसका हाइट, अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हाइट है, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हाइट यहाँ पर दिया गया, जिससे आप बहुत ऊँची से कैमरा को, इस तरह कैमरा को पकड़ के आप शूट कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल ट्राइपॉड नहीं कर पाएगा। और अगर इसका वेट का बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1940 ग्राम करीब 2 kg के आसपास इसी ट्राइपॉड का वेट आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ट्राइपॉड बहुत ही अच्छा है और मतलब मैंने खुद ही से ख़रीदा, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं, बट तब भी मेरे को यूज़ करके बहुत ही पसंद आया। तो अब इसका अगर हेड का बात करें, यहाँ पर हेड को आप यहाँ पर स्लाइड कर सकते हैं बहुत इजी से, जिससे आप सिनेमेटिक शॉट और 360 डिग्री एंगल से वीडियो को शूट कर सकते हैं। मतलब ऊपर भी स्लाइड होता है, नीचे पे भी स्लाइड होता है, मतलब आप कहीं पर भी इसे कंफर्टेबल यूज़ कर सकते हैं। आपका कैमरा चाहे तो किसी भी एंगल पे, ऊपर चाहे तो शूट कर सकते हैं, नीचे चाहे तो तब भी आप शूट कर सकते हैं, साइड में वगैरह सब कुछ आप शूट वगैरह कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको फर्स्ट ही बता दूँ कि जो स्मूथ प्ले से थोड़ा सा कम है, क्योंकि नया चीज़ है भाई, नया चीज़ उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं करते, और कल से मैंने इसको बहुत यूज़ किया इसलिए थोड़ा स्मूथ हो चुका है अभी अभी, लेकिन फर्स्ट आपको स्मूथ नहीं देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर हैंडल आपको दिखाई दे रहा है ना, हैंडल भी बहुत कमाल है, हैंडल को भी आप ओपन कर सकते हैं, इसलिए आपको इसी स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करने के साथ साथ इसी हैंडल को आप मतलब कंफर्टेबल से आपका मर्जी से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बेसिकली एक बहुत ही चीज़ है, अगर आप इसको टाइट वगैरह करना चाहते हैं, सोचिए अगर नहीं घूमना चाहते तो यहाँ पर बहुत सा स्लाइड मतलब स्क्रू दिया गया है, स्क्रू को आपको टाइट कर देना है तो आप इसे नहीं घुमा सकते, यहाँ पर आप देख सकते। और अगर ऊपर का स्लाइड मतलब ऊपर नीचे अप डाउन जो स्लाइड है उसे अगर आप टाइट करना चाहते हैं तो इसको आपको मतलब टाइट कर देना है, बस काम हो चुका है, आप आपका कैमरा कहीं पर भी नहीं जाएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, तगड़ा क्वालिटी है, पर दिया गया मतलब इसी प्राइस में बहुत ही अच्छा खासा ट्राइपॉड आपको मिल जाएगा। और मैंने इसका प्राइस का बात तो अभी तक भी नहीं है कि इसका अगर प्राइस का बात करूँ तो अमेज़न पर फ़िलहाल मैंने 2600 रुपये मतलब 2600 रुपये से इसे ख़रीदा है, और मैंने ऑफलाइन स्टोर भी इसे चेक किया था, ऑफलाइन स्टोर भी करीब सेम है, इसलिए मैंने ऑनलाइन से खरीदा, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह चल रहा है और ऑफलाइन मार्केट अभी बंद है। तो मैंने इसका मैनेजर को कॉल किया, भाई आपके अंदर अंकल सर ट्राइपॉड मिलेगा, बता है हाँ मिलेगा बट आप तो बंद हैं, लेकिन प्राइस मैंने बता दिया उन्होंने, और मैंने देखा कि अमेज़न पे सेम है इसलिए मैंने अमेज़न से ले कर आया। लेकिन फ्लिपकार्ट को डिजिटल का इसी ट्राइपॉड को नहीं मिलेगा, और मेरे ख्याल से जो ट्राइपॉड है आपको ऑफ़र के टाइम लेना चाहिए, क्योंकि ऑफ़र के टाइम पे बहुत ही कम दाम में जैसे स्टोर में होता है उसी दाम पे मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक माउंट दिया जाता है, जिस माउंट से आप कैमरा को टच कर सकते हैं, इसलिए आपको इसी माउंट को मतलब इधर पुश करके ओपन करने के बाद कैमरा के पीछे एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे आपको इस माउंट को डालना पड़ेगा, उसके बाद आप बहुत ही आराम से अपना कैमरा को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बेसिकली इसे यहाँ पर पकड़ना है और जैसे इसको आप फिर से वैसे पुश करेंगे आपका स्टैंड मतलब माउंट लॉक हो जाएगा, जिससे कैमरा भी बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी स्टैंड का तो मैंने बहुत सारा अच्छा बातें बता दिया, तो अब इसका कुछ अगर गलती वगैरह पकड़ लिया जाए तो यहाँ पर आपको हैंडल नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे आप कैरी नहीं कर सकते इसका हैंडल वगैरह से। मैं जिस स्टैंड से यहाँ पर वीडियो को शूट करो उसी स्टैंड पर एक हैंडल दिया है, जिससे आप क्या कर सकते पकड़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पर कोई भी हैंडल नहीं। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कोई भी लिक्विड बैलेंसर आपको नहीं देखने मिलता है, अगर बैलेंसर होता तो आप देख सकते आपका कैमरा ठीक सीधा है या ऊंचा नीचा है, सब कुछ यहाँ पर आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, आप बहुत ही इजी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में और एक बात, अगर आप इसी स्टैंड को नहीं बल्कि किसी भी स्टैंड से अपना स्मार्टफोन को शूट मतलब स्मार्टफोन से शूट करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह एक मोबाइल क्लिप का ज़रूरत पड़ेगा, जो अमेज़ॉन से भी खरीद सकते या किसी भी स्टोर पे जाकर भी खरीद सकते हैं। अमेज़ॉन पे इसका जो प्राइस है करीब 150 रुपये के आसपास है। तो अगर आप फ़ोन से शूट करना चाहते हैं तो इसी एक क्लिप को आपको खरीदना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर भी परचेज कर सकते हैं। और लास्ट में एक रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है और अगर आप यूट्यूब वीडियो वगैरह शूट करना चाहते हैं, कोई भी शूट करना चाहते हैं, आप सिंपल सा 1000-1500 में और भी बहुत सारा अच्छा स्टैंड उसको भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि सबके पास मतलब फर्स्ट इतना पैसा नहीं, मेरे पास भी फर्स्ट उतना पैसा नहीं था, मैं 600 रुपये का स्टैंड से अभी तक भी काम चला रहा था, लेकिन मैंने इसको परचेस कर लिया, क्योंकि इस स्टैंड से DSLR का मतलब काम वगैरह नहीं होता, इसलिए मैंने इसे परचेस कर लिया। तो आप फर्स्ट किसी मतलब छोटे चीज़ से शुरू कीजिए, वीडियो शूट वगैरह सब कुछ, उसके बाद आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते।
तो अगर मैं इसी स्टैंड और इसी स्टैंड का कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बहुत फर्क है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते जो नया स्टैंड है उसका मतलब हाइट आप देख सकते हैं कितना हाइट है, और जो पुराना वाला है उसका हाइट देख सकते हैं, मतलब दिन और रात का फर्क है। तो इसलिए मैंने इसी स्टैंड को परचेस किया। अगर आपके पास उतना ज़्यादा पैसे नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं। आप छोटा सा स्टैंड फर्स्ट खरीद दीजिए, अगर आपके पास जब पैसा होगा जब आप DSLR वगैरह खरीदेंगे तब आप इसी स्टैंड को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इतना टोटल इसी ट्राइपॉड का फुल वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करके जाइए, और स्टैंड या ट्राइपॉड आपको खरीदना वगैरह तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, और कोई भी कमेंट हो तो मेरे से कोई भी गलती वगैरह हुआ तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, और कोई भी पूछना है तो आप इसे पूछ सकते हैं कमेंट पे। तो फिलहाल आज के वीडियो से हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।